फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। झारखंड की अंकिता सिंह को जलाए जाने के बाद उससे पहले या उसके आसपास में कई ऐसे वाकयात उसी से मिलते जुलते हुए, मगर उस एक वाकये के पीछे कई वाकयात को दबा दिया गया, कई खबरों को दबा दिया गया, कई चेहरों को दबा दिया गया। किसी मीडिया, किसी सोशल मीडिया पर कहीं भी उसका जिक्र, उसका तज़किरा आपको ना सुनाई देगा ना दिखाई देगा। ठीक उसी तरह जिस तरीके से दिल्ली की निर्भया के गैंग रेप के बाद हुए काफ़ी इस तरह के मामलों को दबा दिया गया, ना फिर कोई कैंडल मार्च हुआ, ना कहीं मुजाहरे हुए, ना कहीं कोई सत्ता परिवर्तन हुआ और ना ही कोई हुकूमत बदली गई। इस तरह के मामले उसके बाद भी बहुत हुए, मगर कहीं कोई जिक्र, कोई तस्करा उसके बाद नहीं हुआ। अंकिता सिंह को जलाए जाने के मामले में कुछ नए पहलू निकल के आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई है जिसमें अंकिता और शाहरुख को एक साथ नॉर्मल मूड में देखा जा सकता है, और तस्वीर देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले थे और एक दूसरे के साथ घुमा फिरा करते थे। इन तस्वीर को देखने के बाद कहीं भी यकतरफा मोहब्बत के मामलात नजर नहीं आ रहे हैं, यकतरफा इष्ट के मामला कहीं नजर नहीं आ रहा है। वहीं इन तस्वीर को लेकर अंकिता के परिवार का कहना है कि तस्वीर को फोटोशॉप के जरिए एडिट किया गया है और शाहरुख की तस्वीर को अंकिता की तस्वीर के साथ जोड़ दिया गया है। एक सवाल इस बात को लेकर और भी उठ रहा है कि जिस खिड़की से जब इन्वेस्टिगेशन हुई इस पूरे मामले की, पुलिस तहकीक कर रही थी और तहकीक के दौरान एक तस्वीर वायरल हुई जिस खिड़की से कहा जा रहा है कि पेट्रोल फेंका गया था, उस खिड़की के आसपास किसी भी किस्म के ऐसे निशानात मौजूद नहीं है जो उमूमन आग लगने के वाकये के बाद दिखाई देते हैं। जैसा कि किसी किस्म की आग जब लगती है तो आसपास दीवार जो है काली हो जाती है, मगर ऐसा कोई भी निशान आसपास में दिखाई नहीं दे रहा है। हम ऐसी किसी भी तस्वीर की पुष्टि नहीं करते, ना ही किसी जांच पर हम सवालिया निशान उठा रहे हैं और ना ही किसी को बचाने या किसी को फंसाने के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिलहाल इस केस की जांच सीबीआई को देने के बाद भी सामने आ रही है। शाहरुख के मदद करने वाले नईम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग से भी जोड़कर देख रहे हैं। हकीकत जो भी हो, मगर उस फूल सी बच्ची के साथ जिसने भी ऐसी वैश्याना हरकत की है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा ही एक और मामला सामने आया जो कि अंकिता केस से पुराना है, मगर चूंकि इस केस में कोई हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है, जुर्म करने वाला और जिस पर जुल्म हुआ है दोनों एक ही मजहब, एक ही समाज से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए पूरे मुद्दे को इतनी हवा नहीं दी गई है जितनी के अंकिता और शाहरुख के केस को दी गई है। वाकया कुछ यूं है कि झारखंड के चतरा के रहने वाली 17 साल नाबालिग दोषीजा काजल को वहीं का रहने वाला ओबाश नौजवान संदीप भारती तंग किया करता था और काजल से एकतरफा मोहब्बत करता था, मगर काजल उस ओबाश नौजवान को खातिर में नहीं लाती थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने 5 अगस्त को अपनी मां देवांद्री यादव के साथ सो रही काजल पर एसिड फेंककर जला दिया। इस हमले में काजल बुरी तरीके से जल गई, उसकी एक आंख पूरी तरीके से तबाह हो गई है और चेहरे और बदन के दूसरे कई आज़ा झुलस गए हैं। इलाज के लिए उसे रिम्स हॉस्पिटल दाखिल किया गया, मगर हॉस्पिटल की लापरवाही से उसकी हालत दिन ब दिन बस से बदतर होती चली गई। अव्वलुल जिक्र अंकिता सिंह जिसे इसी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, उसकी मौत के बाद हॉस्पिटल इंतजामिया होश में आया और उन्होंने काजल पर तवज्जो देना शुरू की। आपको बता दें कि झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन की दखल अंदाजी के बाद उसे दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर
बजरिए एम्बुलेंस भेज दिया गया है। अजल के साथ ऐसी गैर इंसानी हरकत करने वाला संदीप भारती उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर अंकिता सिंह का मामला इतना गरमाया ना होता तो शायद गरीब काजल के बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। अंकिता के मामले पर शोर मचाने वाले काजल के मामले में चुप रह जाते और चुप भी हैं। किसी को दिख रहा है यहाँ ये क्या हो रहा है? एक बेटी अभी अंकिता वो मर गई लड़ते लड़ते, 5 दिन जड़ी जला के मार दिया गया उसको, पेट्रोल उसको एसिड नहीं मिला तो पेट्रोल से मार दिया। अरे एक दूसरी है सेम कंडीशन वही है, वो भी बात करना चाहता था एक तरफा प्यार का, वो बोलता था उसको फोर्स करता था कि हमसे बात करो हमसे दोस्ती, क्या प्यार का मतलब ये होता है? इस तरह से इसका क्या कसूर था जो इतनी बुरी तरह इसको ऐसे बैठक से इसको सोई हुई थी अपने घर में घुस के, इतना साहस इतना प्रशासन लच्चर हो गया है, इतना किसी को कानून नाम की कोई डर भय नहीं है, अभी कानून को कोई दिखाई नहीं दे सकता है, टीट फॉर टैट वाली स्थिति आ गई है। उन लोगों को भी ऐसे जला के मारना चाहिए ताकि पता चले कि उनके साथ में दर्द जलने का क्या होता है। देखिए उसको डर होता माँ साथ में सोई हुई कैसे करते हैं लोग इस तरह से घर में घुस के, उसकी माँ भी जल गई ये भी जल गई बुरी तरह, इसका पूरा पैर इसका पूरा पूरा बॉडी इसकी पूरी आंखें निकल गई थी, इसको वहाँ गया से रेफर किया गया है और अभी भी कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं किया गया है। केवल यहाँ चतरा के विधायक थे वो जो हाँ जो विधायक है 8-10 हजार दिए बस उसी को लेकर ये माँ बेचारी यहाँ के पड़ी हुई, और तभी जब ये जली हुई इसका पूरा बॉडी जला हुआ है, इसको नर्स नहीं मिल रही है, यहाँ का नर्स लोग इंजेक्शन नहीं दिए छोड़ के चले गए इनके हाल पे, ये है यहाँ इनका इलाज हो रहा है। एक और इसी तरीके का मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के खंडवा से, एक खबर मिली है 18 साल भूरी का उसी के गांव बांगरदा के रहने वाले बबलू ने गला काट दिया, जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया है और जिसका इलाज चल रहा है। तफसील के मुताबिक जब भूरी अपनी बहन मनीषा के साथ घर पर मौजूद थी तभी बबलू नामी नौजवान भूरी के पास आया और उससे इजहार इश्क करते हुए उसने उसे शादी का मुतालबा किया, जिसे भूरी ने सख्ती के साथ एतराज करते हुए ठुकरा दिया। भूरी के इनकार के बाद एकतरफा प्यार में मुब्तिला नाकाम और नामुराद आशिक ने चाकू से भूरी का गला रेत दिया और वहां से फरार हो गया। गांव वालों के मुताबिक कुछ रोज पहले भूरी के पिता और बबलू में इसी बात को लेकर कहा सुनी भी हुई थी, मगर गांव वालों ने समझा बुझाकर मामले को रफा दफा कर दिया था, मगर बबलू के लिए भूरी को भूल पाना शायद मुमकिन नहीं था। इस हादसे के बाद खुद बबलू की लाश गांव के तालाब में मिली है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद नाकाम आशिक ने अपने माशूका का गला रेतने के बाद खुद को खत्म करने के इरादा कर लिया और उसने खुदकुशी की है। बबलू के परिवार के मुताबिक बबलू नशे का आदी था और उसने ये पूरा शैतानी अमल नशे के हालत में किया और उसके बाद उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया है। मेरी बच्ची 18 साल में कुछ कम है जो होने को है, उसको मेरी बच्ची को ये गांव के कोटवा में चाकू गले में मारा है, गला काट दिया, हाथ में मारा हुआ है, मुंह में मारा है, पेट में लगा हुआ है। ऐसे आदमी को तो सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए इसके ऊपर और इसको सख्त से सख्त मतलब फांसी की सजा होना चाहिए, ऐसी दर्दनाक मतलब उसने घटना करी है। कौन है ये और क्यों मारा? ये गांव का कोटवार है और नाम बबलू है इसका, और इसके पिताजी ने भी कुछ समय पहले एक गांव के आदमी का मर्डर किया था, वही हादसा इसने दोहराया है। ऐसे आदमी को सजा देना चाहिए और इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। गांजा पीना दारू पीना और किसी को भी मंचा ऐसे बोलना गाली गलौज करना, तो सर मैं गांव गया था आज क्या हुआ, बच्ची बता रही थी बोले दीवार फांद के अंदर कूदा और चाकू से मार दिया। खैर क्या इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं शर्मिंदा करती है, समाज को शर्मिंदा करती है, देश को शर्मिंदा करती है और कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या हमारे देश की बेटियों का मुकद्दर यही है? क्या इसी तरीके से दरिंदों के हाथों हमारे देश की बेटियां शिकार होती रहेंगी? क्या इसी तरीके से हमारी बेटियों के साथ जुल्म होता रहेगा? क्या इसी तरीके से हमारे बेटियों पर जुल्म होता रहेगा?